हुए दिख रहे हैं। आइए देखते हैं विश्वेश जी को क्या है परसेंट रेट के लिए, बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द वीकेस्ट बैंकिंग स्टॉक रहा होगा बिकॉज द रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो शॉर्ट करना है आरबीएल बैंक को, फ्यूचर में अभी 147 के आसपास चल रहा है और मुझे लगता है ये जो 125 से 160 तक का पुलबैक आया था वो ओवर हो चुका है और अब जिस हिसाब से स्टॉक रिज्यूम कर रहा है मुझे लगता है क्या अलॉन्ग विद द बैंक निफ्टी ये स्टॉक शायद लोस तोड़ेगा। सो दैट इज़ समथिंग टू बी आंसर्ड इन फ्यूचर, बट फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है दीपांशु फॉर इनिशिएटिंग अ शॉर्ट पोजिशन। यहाँ पे 147-148 के आसपास शॉर्ट करें, 152 का स्टॉप लॉस रखें, 143-138 के इनिशियल टारगेट्स होंगे आरबीएल बैंक में। ओके, तो 143 और फिर 138 के टारगेट्स के लिए आरबीएल बैंक पर करनी है बेकाली। ये भी अब कमजोर होते दिख रहा है, डेज लो पर काउंटर है, 3.5% का कट आरबीएल पर आ रहा है इस समय। तो बाजार है कमजोर, डेज लो की तरफ वापस फिसलते हुए, स्पेशली निफ्टी पर ज्यादा दबाव है, बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा होल्ड आउट। जगन्नाथ जी जुड़ चुके हैं। जगन्नाथ जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? सर गुड आफ्टरनून, एक्चुअली मेरा सर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है आरबीएल बैंक, 256 के भाव में है सर, 170 शेयर, तो वो एक्चुअली शेयर तो बहुत नीचे आ गया है, अभी हम क्या कर सकते हैं सर? तो ओके, लॉन्ग टर्म के लिए आपने रखा है ना, लेकिन जी सर ठीक है। रुचित जी, ओके ओके, रुचित जी आरबीएल बैंक इन्होंने लेके रखा है 250 के ऊपर के आसपास की इनकी खरीदारी है, 155 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इनके लेवल से काफी नीचे आ चुका है, नो डाउट फंडामेंटल इश्यूज थे इस काउंटर के साथ, इसके लिए इस काउंटर में गिरावट आई है, लेकिन क्या इनको इनका लेवल फिर से देखने मिलेगा, क्या करना चाहिए, इन लेवल्स पर राय क्या देते हैं आप, लॉन्ग टर्म का निवेश है? जी यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है स्टॉक में, ऑल्दो एक अच्छा अंडर परफॉर्मेंस रिसेंटली स्टॉक ने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं 120-130 की रेंज में अच्छा सपोर्ट बेस स्टॉक बना चुका है, तो हमें लग रहा है कि जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी सब फैक्टर इन हो चुका है टेक्निकली देखे तो, और एक पुल बैक मूव में आपको फिर से 180-185 तक के स्तर एटलीस्ट देखने मिल सकता है। अब इनका जो बाइंग का स्तर है वो काफी ऊंचे लेवल का है और 250 तक के प्रोजेक्शन फिलहाल इतने नहीं बन पा रहे इवन दो इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे जैसे पुल बैक मूव आता है 180 के आसपास भी अगर मिलता है तो वहां पे आप एक बार ये स्टॉक में से निकलने को देख सकते हैं, और दूसरे बेहतरीन बैंक्स जो लॉन्गर टर्म में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बने रहना है तो आईसीआईसी बैंक ज्यादा प्रिफर्ड रहेगी, पीएसयू बैंक्स में एसबीआई और केनरा बैंक, ये दोनों चाहिए कि लॉन्ग टर्म चार्ज स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो आई थिंक फिलहाल पुल बैक मूव के लिए वेट करें, 180 के आसपास आता है तो आप ये परिवर्तन अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर सकते हैं। क्या इन लेवल्स पे एवरेजिंग करनी चाहिए रुचित कैनरा बैंक में, क्योंकि इनकी काफी ऊपर के लेवल की खरीदारी है? जी यस, थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं तो इनके एवरेज का कॉस्ट थोड़ा नीचे आ जाएगा तो वहां पे आई थिंक उसको एक थोड़ा जो लोअर कॉस्ट होगा उसका बेनिफिट मिल सकेगा। चलिए, तो इन लेवल्स पे एवरेजिंग कर सकते हैं और 180-185 के आसपास आएगा तो आप बिकवाली करके